ओम शांति। हमारे बीच में इंद्र देवता जी रोज फूल बरसाते, रोज आते, परंतु किस लिए? दूसरों को जो है आकर इंट्रोड्यूस करने के लिए। परंतु आज इंद्र देवता जी हमारे बीच में खुद बरसने के लिए आए हैं। अभी मैं जैसे ही आए तो मैंने कहा दीदी का बायोडाटा तो मेरे पास है ही नहीं। अब इतनी महान हस्ती का बायोडाटा ही नहीं है मेरे पास। तो ये हाँ वो थोड़ा सा तो दिया था, परंतु अभी तो इसलिए उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा। परंतु ऐसी महान हस्तियों को बायोडाटे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में सामने है। तो जो प्रैक्टिकल प्रूफ है उसके लिए बायोडाटा की पूछने की बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा परम सौभाग्य है और हम एक बार फिर करतल ध्वनि से दिल की गहराइयों से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान क्या है? मैं दीपराज के साथ मंगल मिलन मनाने वाली दीप रानी हूँ। और विषय क्या है क्लास का? दीपराज, दीप रानी और दीपमाला। दीप शब्द तीनों में कॉमन है, क्योंकि जैसे कि आज आपकी भट्टी पूरी हो रही है, कल आपके जाने का दिन होगा और जैसे ही पहुंचोगे दीपावली का पर्व आरंभ हो जाएगा। लेकिन सभी जानते हैं कि दीपावली के पर्व की पूर्व तैयारियां होती है ना, तब जाके दीपावली मनाई जाती है। तो बाबा तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग में हमारे ही यादगार चले आ रहे, जो हमने चैतन्य में संगम पर किया है उसी का यादगार वह भक्ति मार्ग में चल रहा है। आरंभ में जब ये यादगार शुरू हुए तो भावना थी, तो भावना का भाड़ा मिल भी जाता था। लेकिन अभी भावना भी खत्म हो गई, रह गई है सिर्फ कामना। रहस्य छिप गया है, सिर्फ रह गई है रीति रस्म कर्म कांड। और इसलिए जो दीपावली मुख्यतः आज के परिवेश में लोग मनाते हैं, मुख्य होता है धन की देवी से प्राप्ति। तो चूंकि भावना नहीं रह गई, रहस्य नहीं रह गए, तो जो धन की माना धन आता भी है वो दैवी धन नहीं आता है, उनके घर में आसुरी धन आता है। कि जिस आसुरी धन को पाकर जो निधन के हैं उनसे भी ज़्यादा दुखी जीवन जीते हैं, मतलब जिनके पास धन की कमी है वो फिर भी खुश है कि भगवान ने जितना दिया है, चलो और कुछ नहीं, खुला आसमान तो दिया है, धरती तो दी, यही मेरा बिछौना है और यही अंबर मेरा ऊपर से ढकने की चादर है। और चूंकि बहुत मेहनत से काम करते हैं गहरी नींद आ जाती है और फिर एक नई ताजगी के साथ, नई शांति के साथ, नई स्फूर्ति के साथ जीवन अगला दिन शुरू करते हैं। लेकिन जिनके पास आसुरी धन भरमार हो गया है उनके लिए तो ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चूंकि आपकी ही यादगार संगम वाली वहाँ चल रही है
और कलयुग के अंत तक आते आते उसका स्वरूप कुछ और हो गया है। अब आपका ही फिर से फर्ज बनता है कि आप पुनः आपकी जिन स्थितियों का ये यादगार बना है, पहले अपनी वो स्थितियाँ उस प्रकार से तैयार करो और अपने उस स्वरूप से, जब बाबा कहते हैं ना शांति का, आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं लेकिन आप ही खूब चिल्ला चिल्ला रहे हैं, तो क्या शांति का संदेश जाएगा? तो जो हमें उनको दीपावली के नाम पर संदेश देना है, वो पहले हमें उसका स्वरूप बनना होगा। कल भी मेरे से किसी ने आकर पूछा कि बहन जी, यहाँ पे आप जो बार बार कहती हैं कि बाबा को पत्र लिखो, बाबा को पत्र लिखो, क्या लिखना होता है? क्या हम ऐसे ही बोल देंगे तो उससे बात नहीं चलती है? हमने कहा वो कल के क्लास में ही हम उत्तर दे देंगे। तो सब उत्तर जिन्होंने भी पूछे, जो भी आज के सेशन में आ जाएंगे। तो दीपराज, दीप माना ही हम सभी जानते हैं दिया, दिया जिसका धर्म ही है देना। क्या देना? रोशनी देना। तो दीपराज जब कहा, इसका मतलब ऐसा दीप जो सदा रोशनी देता है। और कौन दे सकता है सदा रोशनी? जो सदा जागती ज्योत है। कौन है सदा जागती ज्योत? हमारे पिता परमात्मा। तो दीपराज कौन है? मेरे मीठे बाबा। दीप रानी कौन है? वो भी, उसमें भी दीप शब्द ही है, लेकिन वो भी ज्योति, वो भी दिया, उसका भी धर्म रोशनी देना, पर परमात्मा की तरह सदा जागती ज्योत नहीं होते हैं। क्योंकि परमात्मा तो पावर हाउस है, हम आत्माएं छोटा सा दीप कहें, जिसको कहें बैटरी कहें, वो है। तो हमारे में घृत डालना पड़ता है, जबकि उसका घृत कभी ख़त्म होता नहीं, क्योंकि सागर जितनी है ना उसकी अथाह महिमा। तो हमारा घृत कम होता रहता है, तो जब संपूर्ण घृत होता है तो हम जागती ज्योत हैं। लेकिन जैसे जैसे घृत की मात्रा कम होती जाती है, तो हमारे दिए की जो रोशनी है वो भी कम होती है। और एक टाइम आता है कि वो रोशनी तो कम दे रहा है लेकिन धुआं ज़्यादा देता है ना। तो ऐसे दियों को बाबा अपना संग प्रदान करके फिर से उस सदा जागती ज्योत तक नहीं, लेकिन मास्टर जागती ज्योत तो ज़रूर बना देता है। और ऐसी मास्टर जागती ज्योत के लिए बाबा ने टाइटल दिया दीप रानी। तो मैं दीपराज शिव बाबा के साथ मंगल मिलन मनाने वाली दीप रानी हूँ। परंतु मैं ऐसी दीप रानी बनूँ, बनाया है, लेकिन उसके लिए कुछ शिक्षाएं दी हैं। वो शिक्षाएं जब जीवन में आएगी, तब मेरे दीपक का घृत बढ़ता जाएगा और रोशनी ही रोशनी देगा और धुआं देना बंद हो जाएगा। तब मैं, क्योंकि बाबा हमें टाइटल दे देते हैं, इसका मतलब हम बन नहीं गए हैं। जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं, वो कोई राजा अभी बना नहीं है, लेकिन हम उसको राजा के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम कहते तू तो मेरा राजा बेटा है ना। तो अब राजा बेटा और वहीं पे आर्डर मारना शुरू कर दे, भाई मैं तो राजा हूँ। नहीं, तू तो अभी मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुझे राजा बनाने चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझे जो शिक्षाएं दे रही हूँ उसे तू जीवन में उतारता जा। ठीक ऐसे ही
बाबा ने हमें यह टाइटल दिया कि तुम दीप रानी हो मुझ दीप राज की, तो डेफिनेटली पति पत्नी में मैचिंग होती ना। हाँ, किसी लंबे व्यक्ति के लिए नाटी सी ढूंढ लो तो बोलते जोड़ी जमती नहीं है, तो बाबा भी तो जोड़ी ढूंढेगा ना, तो खुद दीप राज है तो हमको भी तो दीप रानी बनाएगा ना, तो इसलिए हमको वो टाइटल बेशक उसने दिया, लेकिन सचमुच उस टाइटल पर 100% हम खरे उतरे उसके लिए तो कुछ धारणाएं, शिक्षाएं हमें जीवन में उतारनी होगी। और डेफिनेटली वो जो शिक्षाएं हैं वो कौन सी शिक्षाएं हैं, वो लौकिक में जो दीपावली का पर्व है उसमें जो जो हम करते हैं स्थूल रूप से उसी का सूक्ष्म रूप हमें करना है, वही हमारी शिक्षाएं हैं। तो क्या है पहली विशेषता जब दीपावली आती है, तो सबसे पहला कहते हैं दीपावली आ रही है पूरे घर की सफाई करनी है। हाँ, रोज़ तो सफाई करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से हो रही होती है, लेकिन दीपावली के समय कोने कोने की सफाई करनी है। तो वो हो गई स्थूल, अब हमें कोने कोने की सफाई करना है, मतलब क्या, चारों कोने की सेवा बोलते हैं ना, सफाई करनी है। हमारे चारों कोने कौन से हैं, सफाई करना माना ही शुद्ध करना, कचरे से मुक्त करना, अपवित्रता से मुक्त करना। तो बाबा ने कहा तुम दीप रानी सही अर्थों में तब बनेंगे जब चारों प्रकार की पवित्रता जीवन में धारण करेंगे। कौन सी है चारों प्रकार की पवित्रता, तो बाबा ने मुरली में बताया, एक है तन की पवित्रता, दूसरी है मन की पवित्रता, तीसरी है दिल की पवित्रता, चौथी है संबंध की पवित्रता। अब ये तन की पवित्रता माना क्या, तो बाबा ने कहा कि ये शरीर क्या है, मंदिर है। किसका, मंदिर में मूरत बैठती है, इस शरीर में कौन सी मूरत बैठी हुई है, और वो भी कैसी है मूरत, चैतन्य है। तो अगर इस कॉन्शियस के साथ हम जिएंगे तो बाबा कहते हैं वो रूहानियत की खुशबू आपसे फैलेगी, वो देह भान की बदबू फिर नहीं आएगी। इसी को कहेंगे कि तन की पवित्रता। और इसलिए हम देखते हैं साकार मुरलियों में कई बार आता है कि ब्रह्मा बाबा के जो पुरुषार्थ करते, कभी कभी मुरली में बाबा बताते हैं ना, तो उसमें क्या आता है, बाबा को नशा आ रहा हूँ मैं शिव के, शिव पर लोटी चढ़ा के आता हूँ, क्योंकि बाबा को नशा है, इसमें कौन बैठा है, शिव। और भक्ति में हम क्या करते थे, शिव पर लोटी। तो जब बाबा स्नान करने जाते थे और कोई उनको आवाज़ दे रहा है या कुछ बता रहा है, कहो आता हूँ मैं अभी शिव पर लोटी चढ़ा के, अभी आता हूँ। तो कर तो स्नान ही रहे थे, लेकिन फ़र्क क्या लाना है, हमारी सोच कैसी है। कार्य भले छोटा सा छोटा है, परंतु हम सोच किस प्रकार की रखते हैं वही डिसाइड करेगी कि हमारे जीवन में रूहानियत कितनी आए। तो रूहानियत लाने के लिए, रूहानियत की खुशबू हमारे जीवन से बिखरती रहे, तो जरूरी है तन की पवित्रता, कि हमेशा ये भान रहे ये शरीर एक मंदिर, और मंदिर का मतलब ही जहाँ सफाई होती है, जहाँ पवित्रता होती है। और इसलिए इस मंदिर को जो हम फीड करेंगे वो भी पवित्र, और अर्थात भोजन भी हमें शुद्ध पवित्र खाना है।
होता है कई बार गृहस्थी में हम रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी ढील छोड़ देते हैं, होता है ना कई बार। तो अगर हमें सचमुच उस दीप राज की दीप रानी बनना है जो आज दिन तक हमने थोड़ी थोड़ी ढीले रखी हुई है, थोड़ा सा तपस्या करने आए हैं, भट्टी करने आए हैं, हम बोल रहे हैं ना बाबा को पत्र में क्या लिखना है, ढीले ढीले पुरुषार्थ को बाबा को समर्पित करना है। ये हर दिन जो क्लास हो रही थी वो किस लिए हो रही थी, हमने पहले दिन ही कहा नया कुछ भी नहीं सुनाया जाएगा, अब तक जो बाबा ने सुनाया है उसी का ही रिवीजन होगा। लेकिन क्यों रिवीजन, कि अब यहाँ पर आप निश्चिंत होकर बैठे हो, कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं, एक स्व उन्नति के लिए आए हैं, तो एक एक क्लास मतलब ही बाबा की शिक्षाएं सुनते जाओ और विचार सागर मंथन करते जाओ। और जब विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो बताते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो सबसे पहले मंथन के रिजल्ट में क्या निकला था, विष निकला था। तो हमारी कमी कमजोरियाँ खामियाँ जो हम इतनी क्लासेस सुन रहे हो उसको अपने से टैली करने जाएंगे, तो महसूस होगा मेरे में अभी भी ये कमियाँ है, अभी भी ये खामी है। और जैसे उसमें बताते हैं समुद्र मंथन में कि जब वो विष निकला इतना वो तेज था, जिसको नाम ही दिया हला हल काल कुट, कि वो न देवों को पाचन हो रहा था न दैत्यों को, तो क्या किया, शिवजी को प्रार्थना की कि आओ ये हलाहल से हमें मुक्त करो। तो हमें भी क्या करना है, एक एक क्लास सुनते जा रहे हैं, फिर उस आधार से अपनी चेकिंग कर रहे हैं, तो कुछ कुछ खामियां दिख रही है मेरे में है, लेकिन पचती नहीं है, फिर नहीं पचती है। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, इसलिए मैं तो सोचता ही नहीं ज़्यादा, फिर वो सामने वो सब दिखता है ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि मंथन तो किया, पहले वो विष निकला और नहीं पच रहा था, बहुत तड़फन हो रही थी, एक जैसे कि अंगार हो रही है शरीर में, ऐसा महसूस हो रहा था उनको। और उस भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, आओ और आकर इस हलाहल को आप लो, हम इससे मुक्त करो। तो हम अपनी भी कमियों को पचा नहीं पाते हैं, तो ये तो हम अपने आप देख रहे हैं। और इसीलिए आप देखो, जब कोई मुझे मेरी कमी पर ध्यान खींचाता है ना, तू पहले अपने को देख, मैं क्या हूँ मैं अपने आप देख लूँगा, तू पहले अपने को देख, क्योंकि नहीं पचती है। लेकिन रियलाइज तो हुई, एक्नॉलेज तो किया, ये तपस्या में बैठने का मतलब ही ये है, चारधाम की यात्रा करने का मतलब ही ये है कि ज्ञान को सुनो। देखो बाबा कहते हैं, हर बच्चे को जन्म देते ही मैंने दिव्य बुद्धि वरदान में दी है, दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि दी। अब उस दिव्य बुद्धि के आधार से, दुनियावी बुद्धि के हिसाब से उसने मेरे को गुस्सा किया ना, मैं भी कल आएगी तो इतने ही गुस्से से बात करूंगी, राइट समझ रही थी मैं। लेकिन जब बाबा ने दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि दी, और उसके आधार से जब चेकिंग करती हूँ, ये राइट नहीं है, रियलाइज होता है, रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ ये मैं राइट नहीं कर रही हूँ, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा।
कि हाँ स्वीकार करना पड़ेगा कि है मेरे में ये कमी, मैं गलतियाँ अभी भी कर रही हूँ। और चूँकि कहा कि उनसे भी सहा नहीं गया तो शिव जी को बुलाया, तो हमसे भी सहन नहीं हो रहा है, पत्र में लिख के दे दो बाबा को, पत्र में लिख कर बाबा को दे दो। तब कहा कि वो पिया, तो वहाँ पर उसने भी क्या किया, शिव ने भी अंदर नहीं जाने दिया, यही कंठ पे ही समा लिया। इसका मतलब क्या, कई बार हमारे मन में आता है कि अगर हम बाबा को पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि बाबा मेरे में ये कमी है, तो बाबा मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, अच्छा मेरा ये बच्चा ऐसा है, परंतु नहीं, उसने कंठ तक ही रखा, अंदर जाने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी लिया क्यों, क्योंकि आपसे पचरा नहीं है ना, इसलिए लिया। पर वो चित्त पे नहीं रखता है, वो दिल में नहीं रखता है, वो तो बच्चों को दिल तख्त नशीन बनाता है। और अगर उस विष को दिल में लेके जाए तो बच्चे वहाँ चैन पाएंगे या बेचैनी होगी उनको, वहाँ पे बेचैनी होगी ना, इसलिए वो दिल तक नहीं लेके जाता है, ऊपर ऊपर। और हम देखते हैं सागर के सतह पे जो कचरा होता है ना, लहरों के माध्यम से निकल जाता है, तट पर फेंक देता है सागर। और इसीलिए उसमें ये बताते हैं कि जब वो नीलकंठ हो गया शिव जी का, तो एक्चुअली जब वो पी रहे थे उसमें का निगला, ऐसे एक होता है स्वाद ले लेके जीभ को, जो कड़ू चीज़ होती तो क्या बोलते हैं, नाक बंद करो और निकल रहा, मतलब उसको महसूस भी नहीं होने दो उसका स्वाद। तो तब कहा यहाँ तक जाते जाते पार्वती ने उसको यहाँ हाथ लगा के रोक लिया, और पार्वती माना ही ज्ञान गंगा, बाबा कहते हैं ना तुम ज्ञान गंगाएं हो, आत्मा माना तो गंगा जल, तो गंगा तो उसी से माना ज्ञान गंगा, तो उसमें बताते गंगा जल लाया और गंगा जल की विशेषता प्योरिफिकेशन है, और उसने उसको प्योरीफाई कर दिया। लेकिन बाबा की भाषा में सूक्ष्म पक्ष क्या है, ज्ञान, वो तो ज्ञान का सागर है ना, उसकी ज्ञान सागर की लहरें चलेंगी और वो बाहर चला जाएगा वो। तो ये डर मत रखो कि अगर हम बाबा को सुना, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम बाबा को सुनाते हैं तो भी दिल हल्का नहीं होता है। ऐसे में बाबा ने कहा है मेरे राइट हैंड बच्चे जो हैं, जो यज्ञ को चला रहे हैं, जिन पे आपको विश्वास बैठता है कि ये हमारी बातें इधर उधर नहीं करेंगे, बल्कि हमें अपनी सकाश देकर हमें उससे मुक्त होने में मदद करेंगे, वहाँ तक दे दो, तब इससे मुक्ति मिलेगी। समझा पत्र क्यों लिखना है, ऐसे ही नहीं रिपीट कर रहे हम इन चीज़ों को, ऐसे ही हमने नहीं दिया आपको समय कि शाम को 5 से 6 अकेले में बैठकर योग करो। जो सुना चेकिंग, एकांत चाहिए ना उसके लिए, तो वहाँ तो एकांत नहीं मिल रहा था ना, यहाँ तो हमने दिया ना, इसलिए दिया ये एकांत का समय। पर शायद कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं जाके बैठना ही तो है, गीत ही तो बजेंगे, ड्रिल ही तो चलेगी। लेकिन मैं और एक बात बताऊँ आपको कि रियलाइजेशन तभी होती है जब हाथ से बात निकल जाती है, होता है या नहीं, और इसीलिए हम अपनी क्लास हमेशा लास्ट में रखते हैं। और जनरली हर बार यही हुआ है, हर बार यही कमेंट आता है, बहन जी ये क्लास तो पहले होनी चाहिए। लेकिन हमने सोचा, हम मन में हम सोचते हैं कि रियलाइजेशन तो इंसान को तभी आती है जब वो गवां बैठता है,
इसीलिए तो देखो माँ बाप बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, माँ बाप कहते रहते हैं बेटा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो पढ़ो तुम कोई काम आएगा, पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे, नहीं तो खराब। हवा में उड़ा देते हम माँ बाप की बातों को, लेकिन सच में जब वो दिन आता है तब याद करते थे माँ बाप कितना अच्छे से हमें समझाते थे ना। अगर हम उस दिन कर लिया होता तो सचमुच आज नवाब होता, आज मैं दर दर धक्के खा रहा हूँ। रियलाइजेशन पीछे होती है, इसलिए नहीं बाबा भी कहते ना, हम कहते ना बाबा हम इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गए तब क्यों आए, पहले आते ना द्वापर में, है ना। बाबा क्या कहता है, मैं द्वापर में आता ना तो भी कोई तुम उतरती कला में ही जाते, एंजॉय करो, क्योंकि इतना दुख थोड़ी आया था। अभी भी बैटरी में जैसे देखो 50% बैटरी होती है तो इतना चिंता थोड़ी होती है चार्जिंग पे लगाने की, वो तो जब बस ख़त्म होने वाला भिंजी लगाना ही पड़ेगा अभी तो, और पहले तो थोड़ा ढीले होते ही है। तो हम कहते हैं कि चलो जैसा भी हुआ, क्योंकि मधुबन में भी तो आखिर बहुत समय के बाद आए हैं, है ना, लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाए, और फिर जब आते भी थे तो नीचे से नीचे, यहाँ तो चंद पलों के लिए आते थे, तो यहाँ जब हम आए हैं मौका मिला है तो क्या हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, भले हम गलत नहीं बात करें व्यर्थ, लेकिन खुशहाली की तो लेन देन करेंगे, है ना, इसलिए भी हम छोड़ देते लेकिन फिर ज़रूर कहते हैं कि ये सीख जरूर लेके जाओ यहाँ से, कि अब जब हम लौटें तो कम से कम एक लक्ष्य लेकर लौटें, या दृढ़ संकल्प करके जाएं कि या तो सप्ताह में एक बार, या तो मास में एक बार हम संपूर्ण मौन अवश्य रखें, अपने आप को एकांत प्रदान करें, कि जिस एकांत में बैठकर बाबा की शिक्षाओं को पहले सुनें और फिर चेक करें कि बाबा ये शिक्षा मेरे जीवन में कितनी उतरी है, अभी तो ये उतरी नहीं है, मेरे में तो कमी अभी भी है, और वो कमी बाबा को सौंप दो। क्योंकि कई बार अपने प्रयास से हम सफल नहीं होते हैं, तब हमें सौंपना पड़ता है कि बाबा मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, अब आप कुछ मुझे वरदानी दृष्टि डालो मेरे ऊपर, कुछ मेरे प्रति वरदानी बोल बोलो, वरदान माना ही कि वो सहज हो जाए, फिर अब पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, वो सहजता से मेरे जीवन में आ जाए। और इसीलिए बार बार हम आपको कह रहे थे अमृत वेला अलर्ट रहना, अमृत वेला पावरफुल क्वालिटी वाला करना, तभी तो बाबा जो कहते हैं मैं अमृत वेला खास बच्चों के लिए सारे खजाने खोल कर बैठता हूँ, चाहे जो वरदान लेना है आप लो, उस समय में आप के लिए ही होता हूँ, भक्तों के पास भी मैं पीछे जाता हूँ, पहला अधिकार मेरे बच्चों का है, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिनसे मैं विश्व पिता कहला रहा हूँ। नहीं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना फॉरेनर्स पर, बच्चों पर बाबा को नाज है कि तुम्हारे कारण मैं विश्व पिता कहलाया, वरना तो भारत पिता हो रहा था वो, है ना। तो हम बच्चों के कारण तो पिता प्रत्यक्ष होता है, तो उसको भी नाज होता है, तो क्यों नहीं पहला अधिकार बच्चों को देगा। तो ये जो हम बार बार कुछ बातें कह रहे थे ना, जिन्होंने भी प्रश्न पूछे हल हो गए होंगे अभी कि क्या हम ये बार बार क्यों बोल रहे थे। ठीक है, तो पवित्रता भी बात थी, सफाई करनी है, तो ये सफाई जब करेंगे जो कुछ दिखेगा कि गड़बड़ है
बाबा को सौंप दो, बाबा को सौंप दो, तो बाबा की मदद मिलेगी। तो तन की पवित्रता समझ में आ गई, अब है मन की पवित्रता। मन की पवित्रता में बाबा ने कहा, हमने क्या कहा बाबा को, तन मन धन सब कुछ तेरा। अभी हमारा मालिकाना हक नहीं है उस पर, लेकिन बाबा को हमने दिया, फिर बाबा ने हमें दिया अमानत के रूप में, और अब हम मालिक नहीं है, ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टी कभी भी अमानत में खयानत नहीं करता है। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि मन तो बाबा को दिया, फिर बाबा ने मुझे अमानत के रूप में दिया, क्यों दिया भाई, क्या करना है इस अमानत को रख के, तो कहा अब ये मन स्वयं की उन्नति में, विश्व की सेवा में लगाओ, मुझे याद करने में लगाओ। मन मना भव का मंत्र दिया। अब मैं अपने आप को फिर चेक करने जाऊं, क्या सचमुच हर पल ये मन को अमानत के रूप में यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्टी के रूप में, या मालिकाने रूप में यूज़ हो रहा है? और अगर मालिकाने रूप में यूज़ हो रहा है, तो दी हुई चीज़ मैंने क्या कर ली, वापस दे ली, अमानत में मैंने क्या कर दी। तो ये सब कुछ एक्नॉलेज करना है। आप देखो जब पुस्तक लिखते हैं ना लोग, तो पुस्तक में जो दो शब्द होते हैं ना शुरू में, किस किस का सहयोग लिया इस पुस्तक बनाने में, सबको एक्नॉलेज किया जाता है। यहाँ जीवन प्रोग्राम भी होता है, जिन्होंने हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला है, थैंक्स करते हैं ना उनको। एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, स्वीकार करना कि आपने हमारा कुछ फ़ायदा किया, आपसे हमें कुछ मदद मिली, आपसे हमें कुछ सहयोग मिला। तो ऐसे ही बाबा के सामने एक्नॉलेज करना कि बाबा आपने इतना ऊंचा ज्ञान हमें दिया, और हमने आपको सब कुछ समर्पित भी किया, और पुनः आपने हमें ट्रस्टी रूप में संभालने के लिए दिया, लेकिन बाबा मैं इसमें कहीं कहीं गफलत हुई है बाबा, प्लीज़ मुझे स्वीकार। तो कहाँ पहले है, रिकग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो, सरेंडर कर दो बाबा को, तब जाके अपनी कमियों से हम मुक्त हो सकेंगे, वरना शिकायत बनी हुई है। ये कमियां ही तो योग ठीक से नहीं लगने देती है ना, तो शिकायत तो यही है ना कि योग लगता नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर एकांत में समय भी देते हैं तो अरे ऐसे बैठे रहने से तो कुछ कुछ ख्याल आएगा, उससे अच्छा जाओ देरी से जाएंगे, है ना। परंतु ये चेकिंग के लिए टाइम दिया था आपको कि एकांत में बैठ जाओ, और फिर जब सभी लोग एक ही काम करते तो संगठन का बल मिलता है, इसलिए संगठन का समय दिया था। वरना चारधाम की यात्रा भी दे रहे, उसमें तो आप अकेले अकेले रीति से जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एकांत में बैठो, और फिर उसको रियलाइज़ करके, उसको सौंप कर, अब मेरा काम क्या है, उसमें मन लगा लेना। अब तक गलतियाँ की, अब बाबा आप में मन लगाना है, तो पावरफुल एनर्जी अपने में भरना है। तो ये मन की पवित्रता कि क्या सदा मन मना भव रहता है, या मन कहीं कहीं और होता है। फिर तीसरी पवित्रता बाबा ने कही, दिल की पवित्रता। और उस दिल की पवित्रता में बाबा ने बताया कि दिल की पवित्रता माना, मेरा आज के दिन में जो भी पुरुषार्थ है,
जैसा भी पुरुषार्थ है उसको सच्चे दिल से बाबा को बता देना, सच्चे दिल से, भले वो ढीला ढाला ही क्यों नहीं हो, भले मैं बाबा की दी हुई शिक्षा के विपरीत भी जाके क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ, जो भी हूँ, सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है। तो सच्चाई से बाबा के सामने रखना, तभी तो सफाई होगा ना। देखो डॉक्टर के पास भी कुछ कुछ बीमारियाँ अंदर की होती है कई बार, जो बताने में शर्म भी आती है, लेकिन डॉक्टर के पास तो, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे करेगा हमारा। तो बाबा की उस मेरी जो कमियां हैं उसके लिए जो पावर चाहिए, वो मदद कैसे मिलेगी मेरे को। तो दिल की पवित्रता एक स्वयं के प्रति, कि मेरा जो पुरुषार्थ है, जैसा पुरुषार्थ है, वो सच्चे दिल से बाबा के सामने रखूं, और रख कर हैंडओवर करके, अब बाबा मुझे ऐसी पावरफुल दृष्टि दो, सकाश दो, पावर दो, कि अब मैं ऐसा न करूं। और दिल की पवित्रता में दूसरी बात यह है कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के पीछे सच्चे दिल से सेवा की या स्वार्थ रख कर सेवा की। कई बार स्वार्थ होता है ना कि मैं सेवा करूँगा फिर दीदी मुझे आगे आगे रखेगी, मेरा नाम होगा, मेरा मान होगा, मैं ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध होऊंगा, मुझे फ्रंट सीट मिलेगी, अभी तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरे में तो इतनी सारी विशेषताएं पर मुझे कभी चांस ही नहीं देते हैं, मैं तो ऐसे दबा पड़ा रहता हूँ, किसी को पता ही नहीं कि ये भी कोई है। तो कई बार हम सेवा स्वार्थ वश करते हैं, तो आज दिन तक चाहे जो कुछ भी हमने कर लिया है वो भी बाबा के सामने सच्चे दिल से रखना, कि बाबा मैंने सेवा जरूर की पर भीतर में स्वार्थ भाव भी रहा, जो मैंने बाद में रियलाइज किया है, करते समय नहीं किया है। करते समय तो जुनून चढ़ा होता है ना, नहीं, कई बार व्यक्ति कहता है आज कुछ भी हो जाए मैं तो अपने मन की भड़ास निकालूंगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी कर दे, लेकिन उसके बाद जब होश संभलता है, ये मैंने क्या कर दिया, अपनी की कमाई चट कर डाली, क्योंकि उस समय जोश होता है, होश नहीं होता है। तो हमने होश बेहोश होकर जो भी किया है जोश में आकर, और बाद में क्यों कहते हैं मुरली प्रतिदिन सुनो, न सिर्फ प्रतिदिन सुनो, बार बार रिवाइज करो। क्यों दादियाँ वही मुरली को बार बार रिवाइज करती हैं? हम तो कहते हैं ना साकार मुरलियाँ 5 वर्ष की ही रिवाइज हो रही है, हम तो पीछे आए हैं। आप सोचो दादियाँ कब से आई हैं, वो कब से सेम चीज़ का रिवीजन कर रही हैं, तो भी वो बोर नहीं होते हैं, दिन में 2-3 बार जरूर रिवाइज करते। क्यों? जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार एक नया प्रेरणा वहाँ से हमें मिलती है। उस समय शायद मैंने इस बात को इतना अच्छे नहीं समझा, आज जब दोबारा पढ़ रही हूँ तो इसकी गहरी मीनिंग समझ में आ रही है, पहले नहीं समझ में आई थी। तभी तो कहा ये क्लासेस रिवीजन है, आपको सब कुछ पता है, नया थोड़ी है, बाबा की मूल्य से ही बता रहे। पर जब हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो रियलाइज होने लगता है, नहीं तो नहीं होता। यूँ पढ़ लिए जैसे भक्ति में फटफट फटफट पढ़ रहे थे, बस पढ़ के पूरा करना, ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये है दिल की पवित्रता। और चौथा बाबा ने कहा
संबंध होके पवित्रता, संबंध में पवित्रता। और संबंध में पवित्रता माना क्या होता है, और संबंध में हम किस किस के संबंध में आते हैं? तो बाबा ने कहा, एक तो तुम ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण परिवार के संबंध में आते हो, फिर चूंकि ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों का धंधा ही है ज्ञान सुनाना, तो जिज्ञासुओं के संपर्क में आते हो, और पहले तो गृहस्थ जीवन जी रहे तो लौकिक परिवार भी तो है ना, है ना, ये तो मर्जी वा द्विज कहते हैं ना ब्राह्मण को, लेकिन शरीर तो वही वाला है तो उनके साथ भी तो जी रहे हैं ना, तो लौकिक परिवार भी संबंध में है। तो इन तीनों ही संबंध में संतुष्टता, और उसके लिए बाबा ने कहा कि संबंध में संतुष्टता का मतलब है कि वो माना संबंध में पवित्रता का मतलब है संतुष्टता, कि वो हमसे संतुष्ट, हम उनसे संतुष्ट। लेकिन कई बार प्रश्न आता है, बहन जी हमने हर तरीके से उनके लिए जो उचित है, हमारा जो फर्ज बनता है वो सब किया है, लेकिन सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है। तब बाबा कहते हैं, तो उसके लिए आपको असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, वो संतुष्ट नहीं हो रहा इसलिए मैं असंतुष्ट हो जाती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं, उसने गुस्सा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, तो ये क्या, उसने गुस्सा किया तो उसने तो गलत काम किया, फिर तुमने गुस्से पे गुस्सा किया, तुमने अच्छा काम किया क्या? उसकी तो गलती बता रहे हो, लेकिन तुमने गलती पर गलती कर डाली, तो तुम कहाँ समझदार निकले? तो सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा इसलिए मैं हलचल में आ रही, असंतुष्ट हो रही हूँ, वो भी फिर मेरा गलत कदम हो रहा है। तो सामने वाला संतुष्ट ना हो फिर भी मैं संतुष्ट कैसे रह सकती हूँ? बाबा ने ज्ञान दिया कि कोई कोई आत्मा के संस्कार ऐसे होते हैं, वो संस्कारों के वशीभूत है। अपने आप को बात पढ़ा दो कि ड्रामा की चरनी में शुद्ध संस्कार तो सबके समान है, जब घर से निकले सब समान, लेकिन इस यात्रा में हर एक की सीन सिनेरी अलग थी, और हर एक के अक्वायर्ड संस्कार कुछ कुछ गहरे हैं, और जो रूट गहरे, जिनकी रूट्स जम जाती हैं तो उनको उखाड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। वो जो व्यक्ति सामने वाला अपने संस्कार के वशीभूत हमारे से बिहेव करता है, तो कई बार तो वो भी रियलाइज़ करता है अंदर में कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो भी संस्कार के वशीभूत होता है। तो हम ये तो अपने आप को पढ़ा सकते हैं, सामने वाला अपने संस्कारों के वशीभूत है, तो मुझे क्या करना है, उसके ये संस्कार जो है ढीले पड़े, मुझे और ही उसको सकाश देना है। पूछते हैं ना प्रश्न, और ही उसके प्रति शुभ भावना, और ही उसके प्रति सकाश। अगर हम वो जो है वैसा ही बोलेंगे, मतलब वही उसको फीड कर रहे, खिला रहे, तो वो तो और भी मजबूत होगा। तो फिर आप तो आज जिस परसेंटेज में असंतुष्ट हो, कल तो आपका भी परसेंटेज असंतुष्टता का बढ़ जाएगा, तो आप भारी रहेंगे, क्योंकि संतुष्टता की निशानी है हल्के रहना, खुश रहना, बनावटी खुशी नहीं। समझ में आ जाती है कोई बनावटी खुशी में होता है तो, एक नेचुरल खुशी आप में से रेडिएट होती रहे। तो ये है संबंध की पवित्रता। तो चारों गुणों की सफाई की जाती है, तो बाबा ने कहा ये चारों प्रकार की पवित्रता जो बाबा ने डेफिनेशन दी है, इसको बार बार चिंतन में लाओ और अपने आप को चेक करो। ये कहते हैं ना ज्ञान दर्पण है, इस दर्पण में अपने आप को झांको, और झांकने के बाद जो दिख रहा है कचरा, उसको एक्नॉलेज करो कि है ये कचरा, और सरेंडर कर दो बाबा को।
और तब जब ये सफाई होती है तो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, लेकिन उसके बाद क्या निकला? उसके बाद तो कामधेनु निकले, कल्प वृक्ष निकला, और हम सभी जानते हैं कामधेनु माना क्या, वो गाय जो सर्व कामनाओं की पूर्ति करती है। कल्प वृक्ष माना क्या, वो वृक्ष जो सर्व कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात एक बार विष को बाबा को जब हम सौंप देते हैं, आत्मा की सफाई होती है, तब जाके हमारे अंदर भी वो बाबा की शक्ति भरती है। क्योंकि बाबा की शक्ति अगर हम योग करते भर भी रहे समझो, लेकिन कचरा जो पहले से पड़ा है तो वो कचरे के साथ मिक्स हो जाती है ना, तो फिर वो उसका जो रिजल्ट, उसकी जो पावर है वो तो नहीं दिखाई पड़ती है ना हमको। लेकिन एक बार कचरा निकल जाए और उसके बाद स्वच्छता, जैसे पानी मैं स्वच्छ लेकर आई हूँ लेकिन जिस ग्लास में डाल रही हूँ उसमें कचरा पड़ा है, तो स्वच्छ पानी भी क्या हो गया? और उसको मैंने पिया, मैंने कहा मैंने तो स्वच्छ पानी फलाने ले लाया था पिया, फिर मेरे को ये क्यों हो गया? जिस पात्र में लिया वो तो गंदा था ना, तो उसका उसको भी तो पहले स्वच्छ करना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें पहले अपनी चेकिंग करके कचरा विष रबिश जो भी है बाबा को सौंपेंगे, उसके बाद जो बाबा की किरणें हमारे भीतर भरेगी, उसकी सकाश जो हमारे भीतर भरेगी, तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है तो एप्लीकेशंस तो अपने आप काम करना शुरू करते हैं ना मोबाइल में। बैटरी डिस्चार्ज होती है तो एप्लीकेशन थोड़े नाटक करते हैं, है ना, हैंग हो जाता है, स्क्रीन स्टक हो जाती है, लेकिन बैटरी चार्ज हो तो नहीं होता है। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ खोल दिए हैं तो भी लोड ज़्यादा हो जाता है। अब हमने तो बहुत सारी पापों की गठरी देते जा रहे हैं ना बाबा को, तो हल्के हो जाएंगे ना हम तो जब ऐसे हल्के हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और फिर बाबा से कनेक्ट होने में तो इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट भी इजी होंगे और उसकी जो पावर अंदर भरेगी उसको भी फील करेंगे, और वही बाबा की पावर तो हमारी हर इच्छा पूरी करती जाएंगे। तो उसमें से क्या बताते हैं, कामधेनु निकली, कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा जो शीतल रोशनी प्रदान करता है वो निकला, लक्ष्मी भी निकली। हाँ, समुद्र मंथन का लक्ष्य क्या था? अमृत चाहिए था, और जो लक्ष्य था वो अंत में आया। समझ में आ रही बात? लक्ष्य था अमृत पाना है, कि जिस अमृत के आधार से हम क्या हो जाए, अमर हो जाए। पर निकालने गए अमृत पर पहले किसके साथ फेस टू फेस होना पड़ा? तो समझ में आई, तपस्या जब भी आप करेंगे ना, ज्ञान जब भी आप सुनेंगे ना, और चेकिंग जब भी करेंगे, कमजोरियां दिखाई देगी। तो कई बार वो कमजोरियां दिखाई देती हैं इसलिए हम छोड़ देते हैं उस काम को, परंतु बिना उसके अमृत प्राप्त नहीं होने वाला है, ये याद रखना है। बगीचा भी जब बनाना होता है, सुंदर सुंदर पुष्प मेरे बगीचे में खिलते रहे, मैंने वो पुष्पों के बीच डाले भी है बगीचे की धरती में, लेकिन साथ साथ वो खरपतवार वीड्स फालतू की घास भी निकलती ही है। मैंने बगीचा उसके लिए नहीं बनाया था और न ही उसके बीज मैंने डाले हैं, लेकिन धरती में पहले से तो है ना, और इसलिए वो निकल निकल के आते हैं।
तो मुझे बगीचा बनाते समय जो मेरे अच्छे अच्छे बीज बोए हैं उन पुष्पों को उन पौधों को पानी देने के साथ साथ इनको निकालना ही पड़ेगा। मैं कहूँ मैं बगीचा बनाने चली हूँ, ये वीड्स निकल आती, छोड़ दो, कौन बनाता है बैठ के बगीचा, फालतू की इतनी कौन मेहनत करेगा, तो कभी बगीचा बन नहीं सकेगा, नहीं बन सकेगा। तो समझ में आया तपस्या का टाइम क्यों मिला था। तब कहा दीप राज, दीप रानी, दीप माला, एक सिर्फ ज्योति जगे, दीप जगे तो उसको माला नहीं कहेंगे, दो भी जगे, तीन भी जगे तो उसको माला नहीं कहेंगे, लेकिन इकट्ठे संगठित रूप में अगर दीप जल रहे हैं तो दीप माला। इसीलिए इकट्ठे बैठने का आपको चांस दिया था कि इकट्ठे बैठकर योग करो कि जिसकी बदौलत वो ज्योति चमके, जिसमें से आज दिन तक का ना घृत कम होता है तो धुआं निकलता है, तो जो धुआं निकल रहा था मैं उसको रियलाइज कर लिया अभी, अब वो बाबा को हवाले करता हूँ अभी मैं, और अब ये बिना धुएं वाली ज्योति जगे, और जब सबकी ऐसी जगेगी तो दीप माला। हाँ, तो शॉर्ट टाइम में जो, तो वैसे तो बहुत बातें हैं, बाबा कहते हैं मुख मिठा कर आते हैं, खर्ची देते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, नया खाता बनाते हैं, और सिर्फ सफाई नहीं पोताई भी करते हैं। कई बार पोताई क्या होता है ना, सफाई तो कर डाली लेकिन कीटाणु निकलते फिर भी, अरे चूना लगा दो सब कीटाणु वीटाणु मर जाएंगे, तो पोताई भी जरूरी होती है। और बाबा कहते पोताई करना माना ही अपना सारा पोता मेल बाबा को दे देना। तो पत्र लिखेंगे, आखिरी दिन है, सारा पोता मेल बाबा को देकर जाना, तो फिर सच्ची दीपावली। ये सच्चे इतने सारे दीप राज की दीप रानियाँ तैयार हो जाएंगी, और ये चैतन्य दीप माला को देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो दीप दीपावली के दिन सिर्फ दीप नहीं जगाते हैं लेकिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो हमारा ही तो आह्वान कर रहे हैं, जैसे देखो अभी हमारे 3-4 कैंपस है, आपने शायद सुना होगा अनाउंसमेंट हुई कि फलाने तारीख को यहाँ पे, फलाने तारीख को वहाँ पे, तो हमको भी तो आस रहती ना, हाँ ज्ञान सरोवर की दिवाली इस तारीख को है, हम जाएंगे, फिर वहाँ पे ये प्रोग्राम होगा, ब्रह्मा भोजन होगा, एक्सपेक्ट करते हैं ना, प्यार वाला भी एक्सपेक्टेशन होता है ना, और उनको भी मन में रहता है हमने ये प्रोग्राम करना है, हमने इन्हों को इनविटेशन दिया है, तो हम क्या कुछ ऐसा करें जो उनको भी भाए और हमको भी तसल्ली हो। तो ये सच्ची दीपावली में सफाई तो करनी है लेकिन जो स्थूल यादगार हमारा मना रहे हैं हम उनको वो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर ये ज्ञान की लाइट और माइट उनकी तरफ रेडिएट करें, एक्सपेक्टेशन है ना उनको। तो जो बुजुर्ग होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो क्या करते हैं, हम भी घर में क्या कहते हैं, दिवाली, दिवाली में मेरे दादाजी मेरे को इतनी खर्ची देंगे, दिवाली में बाबा दादाजी मेरे को नए कपड़े लेंगे देंगे, एक्सपेक्टेशन है ना, तो उनको भी तो एक्सपेक्टेशन है। तो हम ही तो है, वो तो स्थूल यादगार है, हम ही तो लक्ष्मियाँ बनने वाली है, दीप रानियाँ हैं, तो हमारे से उनको आशाएँ एक्चुअली, तो हम चैतन्य में उनको खुद लाइट हाउस बने, माइट हाउस बने, और वो लाइट और माइट की किरणें उनको देते चले, तब कहेंगे हमने सही अर्थों में दीपावली मनाई। तो जाने से पहले सब कुछ तैयारी यहीं से करके जाना, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर, हमें आगे क्या प्रिपरेशन करनी है, हमें क्या रियलाइज करके
अपने विष को निकालना है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर दीदी जी ने बताया, और पहले भी दिन हमें दीदी जी ने ही गाइड किया था कैसे कैसे भट्टी में हमें बैठना है, कैसे उठना है, कितने बजे क्लास है, और जाते समय भी हमें दीदी ने ही गाइड किया है कि आपको अब जा रहे हैं तो जाते जाते भी क्या तैयारी करनी है, और आने वाला जो त्यौहार है, कईयों के अंदर संकल्प रहता है कि सफाइयाँ नहीं की, घर की सफाइयाँ नहीं की, लेकिन अब ये भी रियलाइज करना है कि हमें कौन सी सफाई चारों कोनों की करके यहाँ से ही आज से ही शाम को ही हम प्रैक्टिस करेंगे। और दीदी जी की जो बातें लग रहा था कि पहले होनी चाहिए क्लास, वो हम शाम को ही प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत सुंदर दीदी जी ने